अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वीडियो। जो तो आज की वीडियो में मैं आपको इस मिनी ब्लूटूथ स्पीकर में एक रिचार्जेबल बैटरी को फिट करना सिखाऊंगा। तो चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, स्पीकर के अंदर जो सारे सेल थे वो बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गए हैं, तो इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो अब सेल लीक होने की वजह से इसकी जो सारी पिन है वो भी ख़राब हो गई हैं। तो अब हमें सबसे पहले तो इसकी किट चेक करनी पड़ेगी कि क्या सेल लीक होने की वजह से इसकी किट में कोई मसला तो नहीं आ गया। तो उसके लिए सिंपली आपने इसके इनपुट पर 5 वोल्ट की पावर सप्लाई देनी है और चेक कर लेना है। तो यहाँ पर इसकी पावर सप्लाई मैं दे रहा हूँ 5 वोल्ट की। तो हेड भी ऑन होगी, इसके अंदर से आवाज़ भी आई, इसका मतलब कि इसका स्पीकर जो है वो ठीक है और किट भी ठीक है जी। तो इसके बाद आपने तीनों स्क्रूज को ओपन करके इसकी बैक साइड को ओपन कर लेना है और जो दो वायर्स हमारी होल्डर के साथ कनेक्ट थी उनमें वोल्टेज चेक करने हैं। तो 5 वोल्ट इनपुट दे के आपने दोनों में वोल्टेज चेक करने हैं। तो सिंपली मल्टीमीटर का यूज़ करते हुए हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें 4 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि हमारी 3.7 वोल्ट की इस वाली बैटरी को चार्ज करने के लिए इनफ है। तो अब आपने दोबारा से स्पीकर को बंद कर लेना, जो दोनों हमारी वायर्स थी उनको बाहर निकाल लेना है और इसके साथ हमारी जो 3.7 वोल्ट की बैटरी थी उसको कनेक्ट कर देना है। सिंपली आपने नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, यानी कि रेड को रेड के साथ और ब्लैक को ब्लैक के साथ कनेक्ट कर देना है जी। तो बस इतना सा काम था, अब आपको कभी भी इसमें सेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका सेल खर्चा भी बचेगा और सेल लीक होने का खतरा भी नहीं रहेगा। तो अब जल्दी से इसके स्क्रूज को बंद कर लेते हैं और जो हमने बैटरी इसमें लगाई है उसको चेक कर लेते हैं कि सही तरह से वर्क कर रही है या नहीं जी। तो मोबाइल को मैंने स्पीकर से कनेक्ट कर दिया, अब इसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए सिंपली आपने स्पीकर को बंद करना है और इसकी इनपुट पे आपने 5 वोल्ट डीसी दे देने, तो इसकी बैटरी भी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके पहले कंप्यूटर प्रेस कर लें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।